एक भालू अपने बागान में पानी डाल रहा था। वह भालू अपने बागान का बहुत ध्यान रखता था। मजाल है जो उसके बागान से कोई एक फूल भी ले ले, वह पेड़ों को पानी देता था, पेड़ उसे फल देते थे। उसकी फ्रेंड एक लड़की थी जो बगीचे के सारे सेब चुनती थी। उसका नाम था सेब वाली लड़की। वह एप्पल से बहुत प्यार करती थी, उसे एप्पल बहुत पसंद थे। उसका नाम था पिंक कलर। पिंक कलर सब उससे कहते थे पिंक कलर पिंक कलर। वह बहुत खुश होती थी। हर पेड़ पेड़ पे चढ़ के वह एप्पल तोड़ा करती थी। एक बार एक खरगोश ने दूसरे खरगोश को बोला था कि हमारे जंगल में एक लड़की आई है जो सारा दिन सेब तोड़ती रहती है, वह सेब रखती ही नहीं है। एक बार उसको सेब नहीं मिला तो पूरा दिन भर रोती रही और बहुत रोई बहुत रोई। फिर उसको बहुत टाइम के बाद एक सेब मिल गया। अब वो बहुत खुश होती है। वह अपने दोस्त खरगोश भालू के पास जाती है, उसके पास बैठती है, मस्ती करती है, तालाब के किनारे बैठ के कुछ मछलियाँ पकड़ती है। वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन वह दोस्ती तो दूसरी तरफ होती है, एक पहले दूसरी तरफ उसके होते हैं फल। वह फलों से बहुत प्यार करती है, स्ट्रॉबेरी खाती होती है और भालू उसे स्ट्रॉबेरी छीन लेता है। वह दुखी होकर अपने दूसरे दोस्तों के जवाब जाती है, उसके साथ खेलती है। फिर वहाँ पर भालू भी आ जाता है। भालू और वह पिंक गर्ल बहुत सारी मस्ती करती है। उसका नाम पूरे शहर में होता है कि पिंक गर्ल किसी के भी बगीचे में सेब नहीं रखेगी, सारे बगीचे के लोग अपने सेब को सुरक्षित रखें। वह लड़की बहुत ही चालाक है, वह सेब के लिए कुछ भी कर सकती है। सबके बगीचों से सेब तोड़ती है और खाती है। अब जो जंगल के पशु पक्षी थे वो बहुत ही दुखी थे कि सेब आखिर कर जाते कहाँ हैं, हम तो इतनी रक्षा करते हैं फिर भी सेब चले जाते हैं। फिर उसका फ्रेंड फिर से उसके पास जाता है, देखो तो चलो तो देखो ये पिंक गर्ल सेब नहीं रख रही है। भालू अपने पेड़ों को पानी दे रहा होता है, पेड़ हल्के से मुस्कुराते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। वाह भाई भालू, तुमसे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, तुम इतने अच्छे से पेड़ों की देखभाल करते हो, इसका कोई जवाब ही नहीं। वह अपने पेड़ों से इतना प्यार करता था कि एक भी फूल उसके बगीचे से कोई तोड़ता तो वह उसके पूरा दिन पीछे पड़ा रहता था। वो कहता था मेरे फूल ही मेरी जिंदगी है, अगर इस जिंदगी को किसी ने ख़त्म करने की कोशिश की मैं उसको इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूंगा। एक छोटा सा खरगोश था, वो दिन भर नाचता रहता था, बगीचे की रक्षा करता था। फिर वह लड़की रोती मुस्कुराती घर में चली जाती थी। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाय बाय।